हेलो ऑल ऑफ यू। अभी तीन तरह के बच्चे हैं हमारे सामने। एक वो है जिनका फरवरी से मार्च अटेम्प्ट में स्कोर इंक्रीज हुआ है, दूसरे वो है जिनका सेम स्कोर रह गया, और तीसरे वो है जिनका स्कोर घट गया है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले अटेम्प्ट्स में आपको अपने मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे सेम उसी परसेंटाइल को हासिल करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन आगे बढ़ रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। जो पहला केस है भाई, जिसके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे 10 ही नंबर हो या 15 नंबर हो, तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा केस है, जिनके मार्क्स सेम रह गए या मार्क्स डिक्रीज हो गए आने इस अटेम्प्ट में, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। और उन्हें कहाँ से मेहनत करना चाहिए वो मैं सिंगल बुक बता दे रहा हूँ। वो है प्रीवियस ईयर और ये जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुए, यानी फरवरी और मार्च में। जो आप ईमानदारी से बताओ, आपने क्या फरवरी का सारा पेपर सॉल्व करके गए थे मार्च का एग्जाम देने? मुझे लगता है नहीं गए थे। तो फरवरी और मार्च का आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, फिर जाना है अप्रैल का एग्जाम देने। और जो प्रीवियस ईयर है, अगर टाइम बढ़े तो वो भी सॉल्व कर लो। तो मेन आपका फोकस अभी बस प्रीवियस ईयर पे ही रहना चाहिए। आप ये करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द